वीडियो में आपका पे अगर आप यूट्यूब क्रिएटर हो तो आपको मैं यहाँ पे डिमोटिवेट करने वाला हूँ, क्योंकि दोस्तों अगर हम यहाँ पे यूट्यूब पर सफल नहीं हुए, ठीक है, हमने पूरा 2-3 साल फ्रेंड यहाँ पे यूट्यूब पर लगा दिया, इसके बाद भी दोस्तों हम ग्रो नहीं हुए या फिर दोस्तों हमारे चैनल यहाँ पर ग्रो नहीं हुआ, तो हमारा आखिर होगा क्या? ठीक है, हम क्या कौन सा रास्ता अपना है फ्रेंड, क्या हम किस तरह का कॉन्टेंट बनाएंगे, या फिर कह सकते हो दोस्तों अगर हमको कुछ भी सफलता नहीं मिली, ठीक है, तो हमारा भविष्य आखिर होगा क्या? क्योंकि देखो मैं आपको इस वीडियो में डिमोटिवेट करूँगा, कुछ रियल सच्चाई बताऊँगा फ्रेंड आपको, क्योंकि यार बहुत से नए क्रिएटर बस मुंह उठा के किसी को भी देखे, उसकी अर्निंग देख के बड़े क्रिएटर की बस यहाँ पे आ गए कि वो 8 से 10 लाख रुपए महीने कमाता है तो हम भी कमाएंगे, ठीक है, वो कुछ महीने काम करता है, इसके बाद वो कुछ मतलब सब कुछ छोड़ देता है, यूट्यूब पर काम करते करते वो सब कुछ छोड़ देता है, ठीक है, पूरा यहाँ पे जो भी काम धंधा कर रहा है, ठीक है, पढ़ाई तक दोस्तों मैंने देखे बहुत से क्रिएटर सब कुछ छोड़ के बस यूट्यूब पर आ रहा है, उसके बाद भी दोस्तों उनके व्यूज़ नहीं आ रहे, ठीक है, मतलब आखिर हमारा होगा क्या अगर दोस्तों हम यूट्यूब पर ग्रो नहीं हो पाए या हम यूट्यूब पर अच्छे से परफॉर्मेंस नहीं कर पाए, ठीक है, हम अर्निंग नहीं कर पाए तो आखिर हमारा होगा क्या? ठीक है, हम किस तरह से अर्निंग करेंगे या फिर दोस्तों हमारा भविष्य क्या होगा? देखो फ्रेंड, सबसे पहली सच्चाई तो यही है कि क्योंकि हम दूसरे की देखा देखी यूट्यूब पर आ गए हैं, ठीक है, हमारे अंदर कोई रियल टैलेंट नहीं है यूट्यूब की, मैं आपको एक और सच्चाई बता रहा हूँ इसके बाद, ठीक है, हम दूसरे के देखे देखे यूट्यूब पर आ गए हैं, उसके बाद दोस्तों हम बस डिमोटिवेट हो रहे हैं, कुछ 2-3 कॉन्टेंट है उसके बाद हमारा जो कॉन्टेंट है वो खत्म हो चुका है, ठीक है, पहली चीज़ आप ये देख के आओ कि आपका पैशन किस में, ठीक है, मैं मतलब लाइफ टाइम किस चीज़ को बना सकता हूँ, किस तरह का कंटेंट फ्रेंड मैं लाइफ टाइम बना सकता हूँ, ठीक है, दूसरी सच्चाई फ्रेंड आज तक किसी यूट्यूबर ने नहीं बताई, मैं अपने अंदर के फील करके, ठीक है, मैं अपने अंदर मतलब मैं रिसर्च करता हूँ, उसके बाद दोस्तों मतलब थोड़ा वो सोच के इतनी मतलब खेतों में क्या रिसर्च करना, मतलब थोड़ा बहुत सोच के दिमाग से कि देखो आपको यूट्यूब पर आज तक किसी भी यूट्यूबर ने दोस्तों इस तरह का सीक्रेट नहीं बताया होगा, ठीक है, अगर दोस्तों आपके पास कुछ टैलेंट है, ठीक है, आपको कुछ करने में या फिर दोस्तों आपको जो भी कुछ आपका टैलेंट है फ्रेंड आपके अंदर है कि आपको यूट्यूब पर ऐसा कॉन्टेंट बनाना है जो कि यूट्यूब पर अवेलेबल ही नहीं है, ठीक है, अभी तक दोस्तों इस तरह का कॉन्टेंट यूट्यूब पर नहीं है, आपको उस तरह का कॉन्टेंट बनाना है, ठीक है, मतलब ऐसा नहीं कि आप कॉपी पेस्ट कर जा रहे हो, दोस्तों अगर आप कॉपी पेस्ट करोगे तो आप अपने चैनल को कभी भी ग्रो नहीं कर पाओगे, ठीक है, मतलब अच्छे तरीके से ग्रो नहीं कर पाओगे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा आपको, 5 से 10 साल लग जाएंगे, अगर ग्रो करना है तो आपको यहाँ पर सबसे यूनिक कॉन्टेंट लाना पड़ेगा, बस ये सिंपल सी बात है, अगर आप यूनिक कॉन्टेंट नहीं ला पाए तो आप बिल्कुल आप यूट्यूब पर ग्रो ही नहीं हो पाओगे, क्योंकि ये रियलिटी है फ्रेंड, ये सच्चाई मैं जान चुका हूँ यूट्यूब पर, कि अगर आप आपके अंदर दोस्तों कुछ रियल टैलेंट नहीं है तो आप यूट्यूब पर बिल्कुल सफल नहीं हो पाओगे, ठीक है, आपके अंदर दोस्तों कुछ ऐसा यूनिक कंटेंट आपको लाना चाहिए, मतलब लाना ही पड़ेगा फ्रेंड, अगर आप यूट्यूब पर सफल होना चाहते हो, तो मैं आपको फिर डिमोटिवेट कर रहा हूँ फ्रेंड, आप दूसरे की देखा देखी मत आओ, वो भाई आपको अर्निंग दिखा के आपको आपका कंटेंट दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, बस जितने भी यूट्यूबर फ्रेंड वो आपका आपकी अर्निंग दिखाते हैं, ठीक है, मतलब उनकी अर्निंग दिखाते हैं, इसलिए दोस्तों आप उनकी अर्निंग देख के आप भी मोटिवेट होते हो कि भाई हम भी अर्निंग करेंगे, लेकिन दोस्तों ये सब गलत होता है, इससे देखो आपको ये चीज़ें सीखना चाहिए कि हाँ भाई इससे अर्निंग कर रहा है, लेकिन दोस्तों इसने क्या एफर्ट लगाया, ठीक है, क्या इसने अलग ट्रिक दिखाई है, क्या इसने किस तरह का कॉन्टेंट दिखाया, आप उस पर रिसर्च करो, ना कि उसकी अर्निंग देख के फ्रेंड आप कुछ भी वीडियो बनाया जाओ, बस देखो जो नए क्रिएटर आ रहे हैं ना अभी, बस वो धड़ल्ले से वीडियो बना रहे हैं, बस मतलब बस वीडियो ही वीडियो उनको, बस और कुछ नहीं, भाई कॉपी पेस्ट करे जा रहे हैं बस, और कुछ नहीं, सब कुछ काम धंधा छोड़ के बस यूट्यूब पर आ गए फ्रेंड, देखो आपको ऐसा नहीं करना है फ्रेंड, आपका जो रियल टैलेंट है, ठीक है, वही आपको दोस्तों यूट्यूब पर आगे लेके जाएगा, बाकी और कुछ ट्रिक काम नहीं करेगी फ्रेंड यूट्यूब पर, कि वो क्रिएटर ये सब बता रहे तो आपको भी ये सब ये ट्रिक आपको भी काम करेगी, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होता फ्रेंड, और देखो अगर आपके अंदर यूनिक टैलेंट है या फिर दोस्तों यूनिक कुछ ट्रिक है तो वो चीज़ें आप इस पर ट्राई करो फ्रेंड, आप अच्छे से ग्रो अपने चैनल को कर पाओगे, देखो फ्रेंड हमारा टॉपिक था कि हम मतलब अगर हमारा चैनल ग्रो नहीं हुआ तो फ्रेंड हम क्या करेंगे, ठीक है, आगे हमारा भविष्य क्या होगा, देखो फ्रेंड आप यूट्यूब पर सफल नहीं हो तो आपको क्या क्या चीज़ें और ट्राई करना चाहिए, देखो फ्रेंड आपको पहली चीज़ तो आपको अगर यूट्यूब पर आपको एक कैटेगरी में कभी भी अपना यूट्यूब चैनल नहीं बनाना, ठीक है, आपको बहुत सारी कैटेगरी फ्रेंड आपको डिसाइड करना है, ठीक है, आपको बहुत सारी कैटेगरी पर काम करो तो कहीं ना कहीं आपकी वीडियो हो सकता है थोड़ी वो चल जाए, ठीक है, अगर आप वो चलती है तो आप उसी टाइप से कंटेंट बनाओगे, ठीक है, आप उसी तरीके से काम करो फ्रेंड, अगर आपकी एक वीडियो चलती है समझ लो आप में वही टैलेंट है फ्रेंड, तो वो चीज़ें आप ट्राई करो फ्रेंड, यहाँ पे इंस्टाग्राम फेसबुक, ठीक है, सभी जगह फ्रेंड अपना जो कॉन्टेंट है उसको यहाँ पर अपलोड करने की कोशिश करो, हो सकता है वहाँ पर आपको कुछ मिल जाए, और दूसरी चीज़ अगर देखो फ्रेंड आपको कहीं पर भी आपको कुछ करने मतलब आपको यहाँ पर भी सफलता नहीं मिल रही, ठीक है, आपको यहाँ पर भी कुछ मतलब काम आपका चैनल ग्रो नहीं हुआ, ठीक है, आपको कोई यहाँ पे प्लेटफॉर्म पे आपकी वीडियो वायरल नहीं हुई या फिर दोस्तों आपको अर्निंग कहीं से नहीं हो रही है, तो आप एक चीज़ ट्राई करो, ठीक है, आप ये सब वीडियो बनाने के बाद आपका अंदर टैलेंट है जो वीडियो बनाने की स्किल है, ठीक है, थंबनेल बनाने की स्किल है या फिर दोस्तों वीडियो एडिटिंग की स्किल है, ठीक है, उसे आप बेचो फ्रेंड, जितने भी क्रिएटर हैं उनसे संपर्क करो कि देखो मैं कितना अच्छा यहाँ पे थंबनेल बनाता हूँ,
वो चीज़ें आप ट्राई करो फ्रेंड, और उनको बताओ, आप उनसे अच्छे से चार्ज करो। मतलब दोस्तों वो जो भी आप जो भी अच्छा थंबनेल बनाओगे तो आपको अच्छी अर्निंग होगी, ठीक है। आप मतलब आपका अच्छा पे आउट होगा, जो भी आप थंबनेल का चार्ज रखना चाहते हो फ्रेंड वो आप रख सकते हो, ठीक है। आपको वीडियो एडिटिंग दोस्तों बड़े 3-4 के अगर आपने क्रिएटर पकड़ लेना, आप बहुत अच्छी अर्निंग करोगे। तो ये चीज़ आपके अंदर स्किल आएगी फ्रेंड, अगर आप यूट्यूब पर सफल नहीं होते तो ये चीज़ें आप ट्राई करो, और हर एक प्लेटफॉर्म पर ट्राई करो फ्रेंड, यहाँ पे भी आपको सफलता नहीं मिलती तो आप ब्लॉगिंग वर्डप्रेस साइट है जो कि एकदम फ्री है, ठीक है। मैंने कुछ डिटेल पे वीडियो बनाई रखी है फ्रेंड कि आप कैसे उसको क्रिएट कर सकते हो ब्लॉगिंग साइट को, तो वो भी आप ट्राई करो फ्रेंड। हो सकता है वहाँ से आपका कुछ यहाँ पे जो लिखने वाला कॉन्टेंट होता है वो तक वायरल हो जाए, तो उससे तो भाई यूट्यूब से उससे मतलब यूट्यूब में और उसमें अर्निंग में काफ़ी बहुत ज़्यादा डिफरेंस, वहाँ पे आप बहुत ज़्यादा अर्निंग करोगे फ्रेंड, ठीक है। उससे यूट्यूब से आप 3 से 4 गुना उससे ब्लॉगिंग से अर्निंग कर पाओगे। तो फ्रेंड देखो ये चीज़ आपको यहाँ पे ट्राई करना चाहिए। और दोस्तों हो सकता है मैंने आपको कुछ डिमोटिवेट भी करा हो, लेकिन दोस्तों ये रियल सच्चाई है, ठीक है। ये बिल्कुल आप सीरियस लेना इस वीडियो को, अगर आप यूट्यूब पर काम कर रहे हो तो फ्रेंड ये वीडियो आपको बिल्कुल सीरियसली लेके चलना है फ्रेंड। और फ्रेंड ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और दोस्तों जो भी आपका क्वेश्चन है, जो भी आपको गालियाँ देनी है फ्रेंड, मेरे को कमेंट्स में दें, ठीक है, मैं आपका रिप्लाई दूंगा फ्रेंड। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक, और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि दोस्तों मैं ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए हमसे लाते रहूँगा। तो फ्रेंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।